जिन्होंने मां की वंदना की थी हमारे बलरामपुर जनपद के बहुत वरिष्ठ रचनाकार और सौर के बड़े रचनाकार आदरणीय ओम प्रकाश मिश्रा जी हमारे बीच में हैं उस्मान मीनई जो बारा बंकी के बड़े शायर उनकी चार पंक्तियां रही भाई मैं पढ़ता हूं अगर बात आप तक पहुंचे दोनों हाथ हवा में लहराना तालियों का महोत्सव का आदानी मिश्रा जी को माइक पे आमंत्रित करना उस्मान मीनई ने कहीं पे चार पंक्तियां लिखी बात अगर आप तक पहुंच जाए कि हकीकत रू हो तो पप्पू भाई हकीकत रू हो तो अदाकारी नहीं चलती और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती और तुम्हारा दबदबा केवल तुम्हारी जिंदगी तक है किसी की कब्र के भीतर जमींदारी नहीं चलती जो, आपकी जोरदार तालियां तालियामंत्रित करें आदरणीय ओम प्रकाश मिश्रा जी माइक पर स्वागत जो बहुत ही निराश बहुत हताश हो गए हैं लोग जिनको दवा काम नहीं करती उनको इन पंक्तियों ने जिंदा किया है आज मैं वो पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं सुख को छांव कहते हैं और दुख को धूप कहते हैं हाँ। धूप जाएगी छांव आएगी धूप जाएगी छांव आएगी बीरियों कब तक रुलाएगी वाह घुप अंधारी रात बीतेगी। उषा किरणों की थाल लाएगी फूल महकेंगे भौवरे आएंगे कोकिला मीठे गीत गाएगी अब की जो रात आने वाली है चांदनी दूध में नहाएगी अपने बढ़ते कदम को मत रोको जिंदगी फिर से मुस्कुरा बहुत अच्छे दादा, क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद वाह और कविता का काम है जगाना जोड़ना लोगों के अंदर आपसी भाईचारा पैदा करना तो मैं कविता की कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं समाज का चिंतन करना समाज के बारे में भी सोचना हम सब की जिम्मेदारी है विकास जी सुनिएगा जहां बिलखते भूखे बच्चे जहां बिलखते भूखे बच्चे रोटी के टुकड़ों की खातिर भूख सताई माँ का आंचल छाव नहीं दे पाता उनको उनके लिए कौन छेड़ेगा लोरी की मीठी सरलहरी आंसू पीना नियत बन गया प्यार दुलार मिलाना जिनको तब तक झूठे सब्ज बाग के कोरे नारे उन्हें छलेंगे लोकतंत्र के आस्तीन में जब तक काले नाग बात जिन हाथों में कलम चाहिए उनमें आए झूठे बर्तन धनवानों के घर जाकर के वे झाड़ू पोछा करते हैं जिन कलियों को मुस्काना था वो पैरों कुचली जाती हैं जिनको देश रत्न बनना था दाने दाने बाधा अग्नि में मासूमों के बचपन तब तक यहां जलेंगे लोकतंत्र के आस्तीन में जब तक काले नाग पलेंगे डिग्री लेकर रोजगार को तरस रही कितनी प्रतिभाएं कितने उम्र दराज हो गए कितनों के सपने टूटे हैं कितनों के अरमान जल गए कितनों की दुनिया उजड़ी है कितने कर्जों में डूबे हैं कितनों के अपने छूटे हैं असमंजस में खड़े बेचारे तब तक यूं ही हाथ मलेंगे लोकतंत्र के आस्तीन में जब तक काले नाग आम आदमी तरस रहा है बुनियादी सुविधाओं खातिर वो गूंगे बहरे बन बैठे किसको पीर सुनाए कोई मिटता बचपन जलता यौवन विपदाओं ने डाला डेरा भूख गरीबी लाचारी से चेहरों की आभा है खोई असमंजस में खड़े बेचारे तब तक यूं ही हाथ मलेंगे लोकतंत्र के आस्ती में तक काले नाग पलेंगे बहुत अच्छा है जी। और इस भारत में जो संपन्न हो गया है जो सुखी हो गया है उसका एक भारत है और दुखी दलित पीड़ित शोषित का एक दूसरा भारत है जो संपन्न सुखी है वो दुखियों से कहते हैं कहो मेरा भारत महान महान तो स्वयं हो गए हैं लेकिन उनसे नारे लगवाते हैं जो पीड़ित है दुखी है शोषित है वह तो स्वयं महान हो गए वाह उनका देश महान हो गया क्या कहने वाह वह वा, तो स्वयं महान हो गए उनका देश महान हो गया उनका जीवन स्तर बदला उनकी जगी भाग्य रेखाएं उनको मिली जहां की खुशियां हुई व्यवस्था उनकी चेरी वंदनीय अभिनंदनीय उनके भक्त गीत सब गाएं, चमक रहे हैं बनकर सूरज समझ रहे हैं नहीं ढलेंगे लोकतंत्र के आस्तीन में जब तक लेकिन क्रांति जन्म लेती है जब जब ऐसा भेदभाव होता है क्रांति जन्म लेती है जब जब ऐसा भेदभाव होता है शोषण की सीमा जब हद से अधिक गुजर जाती है जग में अंगड़ाई लेती है जनता राज मुकुट गिर जाते सिंघासन हिलने लगते हैं ज्वालाएं जलती हैं मग में मजलूमों लाचारों के भी भाग जगेंगे दिन बदलेंगे लोकतंत्र के आस्तीन में कब तक काले नागपना जो अधिकार नहीं मिल पाते उनको छीन लिया जाता जो अधिकार नहीं मिल पाते उनको छीन लिया जाता है अत्याचारी को सबक सिखाना उचित बात है नंगा कर दे चौराहों पर ऐसे ढोंगी बेईमानों को जो सबको धोखा देते हैं करते रहते सदा घात हैं फन उनके कुचले जाएंगे तब खुशियों के दीप जलेंगे लोकतंत्र के आस पास कब तक काले नाग पलेंगे? और कविता जगाने का काम करती है घर जागे नहीं सोते रहे सोते रहेंगे घर जागे नहीं सोते रहे सोते रहेंगे दुश्वारियों का बोझ सदा ढोते रहेंगे यूं के जो चुप बैठे रहे आप नफरत के बीज बोने वाले बोते रहे तो गफलत में सोने वालों को मैं आज जगाने आया हूं गफलत में सोने वालों को मैं आज जगाने आया हूं मैं गीत सुनाने आया हूं मैं मीत बनाने आया हूं जो मातृभूमि के माथे पर चिंता की रेखा लाते हैं जो अपनी कुछ चालों से घर घर में आग लगाते हैं जो समरसता को त्याग सदा के भाव जगाते हैं जो सज्जनता का नाटक कर दुर्जनता को अपनाते हैं जो दंश दे रहे शोषण का जो दानवता के पोषक हैं, जो देशद्रोह में पगे हुए जो मानवता के शोषक हैं, जो जहर बेचते हैं पल पल जो देश बेचने वाले हैं ऊपर जिनके परिधान दवल भीतर से काले का उन देशद्रोहियों की सबको पहचान कराने वाह क्या कहना है मिश्रा जी वाह वाह वा। जिनको न देश से प्यार जिन्हें दीनों पर दया नहीं आती जिनको खुदगर्जी ही प्यारी जिनको कटुता ही है भाती जिनके कारण भोली जनता सिर पीट पीट पछताती है जिनकी कट जालों में फंसकर पल पल रोती चिल्लाती है दौलत से ही है प्यार जिन्हें नफरत बोना ही भाता है जिनकी दुनिया अपराधों की दहशत गर्दी से नाता है जो जो सौदागर हैं वोटों के कारोबारी नोटों के जो बुरे मार्ग के राही हैं जिनका सिद्धांत तबाही है उन गद्दारों मक्कारों को मैं सबक सिखाने आया कहने का लेकिन अकेले काम नहीं होगा यदि साथ तुम्हारा मिल जाए ऐसों का दंभ चूर कर दूं। यदि यद तुम्हारा मिल जाए ऐसों का दंभ चूर कर यदि यद तुम्हारा मिल जाए ऐसों को बहुत दूर कर यदि यद तुम्हारा मिले तो फिर ऐसों की दुनिया जल जाए यद साथ तुम्हारा मिले तो फिर नफरत का साया टल जाए वाह आओ मिल देश प्रेम वाले कुछ गीत स्वरों में हम ढाले आओ अपनी मेहनत से हम अपना खोया गौरव पाले मजलूमों की किस्मत में फिर आओ हम नया बिहान लिखें गद्दारों को लानत लिख दें खुददारों को सम्मान लिखें मैं देश प्रेम बलिदान त्याग का भाव जगाने आया हूं मैं गीत सुनाने आया वाह 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 ये देशद्रोहियों को हम सब मिलकर ना सबक सिखा पाए एकता शक्त से अपनी हम यदि इनको नहीं मिटा पाए तो अपना ही सिर पीट पीट पल पल हमको रोना होगा विपदा की भारी गठरी को फिर जीवन भर ढोना होगा यदि नहीं जगे तो गद्दारों का राज्य

कि हमारे कवियों और शायरों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज वो अश्लीलता के गाने लिख रहे हैं आज वो फूहर गाने लिख रहे हैं समाज को दिशा नहीं दे रहे हैं शीला की जवानी के गीत लिखते लिखने वाला भी तो कोई कभी शायर रहा होगा मुन्नी बदनाम हुई का गीत लिखने वाला भी तो कोई कभी शायर रहा होगा जिसका नाम शीला होगा जिसका नाम मुन्नी होगा जब गली से गुजरती होगी वो कैसे बजता होगा उसके दिल पे क्या गुजरती होगी हमें ऐसे गीत लिखने की क्या जरूरत थी मैं पंक्तिानिवेदित करता हूँ विकास स्वागत है दादा स्वागत है वाह कि शीला की जवानी जैसे गीत रच देने वालों शीला की जवानी जैसे गीत रच देने वालों अस्लीलता ताकि सारी हदें मत तोड़ दो वाह और झांसी वाली रानी जो थी दुर्गा भवानी बनी उसके सम्मान में भी कुछ शब्द जोड़ दो और मुन्नी बदनाम जैसे गीतों को बनाने वालों लेखनी को अच्छी बातों की तरफ मोड़ दो और अच्छी कविताएं अगर लिखना गंवारा ना हो रख दो कलम और छोड़ दो कहने वाह वाह मैं कहता हूं कि तुम्हें भारत में क्या नारियां नहीं थी भारत में क्या और महिलाएं नहीं थी जिनके बारे में तुम लिखते लिखनी जवानी है जवानी ही लिखनी थी तो तुम्हें शिला ही मिली थी लिखनी जवानी है तो वीरों की जवानी लिखो देश की जवानी काम आ रही अब बदनामी लिखनी है भ्रष्टों की लिखो तो जानू शीला और मुन्नी बदनामी व्यर्थ पा रही तुलसी कबीर सूर गालिब अमीर जैसे कभी गीतकारों वाली चेतना कहाँ रही अब वीरता के गाने व तराने रास्ते आए नहीं किन्नरों की भाषा कैसे मन में समा रही तो इस प्रकार से कविताओं में हमको देश समाज के हित की बात करनी है तो एक अंतिम पंक्तियां पढ़ के जाता हूं किन कर्तव्य विमूड़ खड़े क्या सोच रहे हो आगे बढ़ो हटाओ सारी चिंताओं को गीली क्यों आंखें करते हो आंसू से तुम कर्मठ बनो मिटाओ सारी दुविधाओं को विपदाएं शिक्षक हैं इनको अपना जानो चिंताएं मिथ्याए इनको सपना जानो बदली हो या प्रखर सूर्य की जलती किरणें स्वर्ण पट्टाला में तपना जानो और विश्वासों के ईट ईट को जोड़ जोड़ कर आशाओं का महल खड़ा कर दो धरड़ी पर धाराएं कितना भी विचलित करना चाहें आज ना आने दो जीवन की लवतरणी पर पहुंचो चलकर वहां जहां तुमको जाना है प्राप्त करो वो सभी जिसे तुमको पाना है और वितरित कर दो फिर जन जन में इस थाती को क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाना है पीड़ा हो या दुख हो दिल दहलाने वाला शेर बबर हो या पागल हाथी मत वाला धैर्य शौर से बढ़ते जाना साथी मेरे हार जाना विजय दिवस है आने वाला भाई जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय मिश्रा जी के लिए